शुरुआत उसके टीजर पोस्टर या ट्रेलर से होती है, वो पहला पड़ाव होता है और सबसे पहले यही बात होती है कि अगर ट्रेलर लोगों को अच्छा लगे तो वो सोचते हैं कि फिल्म जाकर देखें। तो महाराष्ट्र की जनता ने कितने कम समय में से मिलियंस ऑफ व्यूज़ दिए, उन सभी के उन सभी का मैं आभारी हूँ और यही आशा है कि 27 अक्टूबर को जाकर वो थिएटर में फिल्म देखें। फास्ट ऑफ फेनी की कहानी और एक ऐसा किरदार जो किताबों से निकल कर अगर बड़े पर्दे पर आता है और एक एडवेंचरस, और क्या है कि बॉय डिटेक्टिव, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं मुझे ऐसी कोई फिल्म मिले करने के लिए जो एक डिटेक्टिव ओरिएंटेड हो, पर एज एन एक्टर नहीं मिली तो एज ए प्रोड्यूसर मैंने अपनी वो ख्वाहिश पूरी कर ली। एक्चुअली आपने अभी गाना देखा है, वो इट्स अ यूनिक, मेरे लिए यूनिक है क्योंकि एक बीच में मराठी रैप्स के साथ वो स्टार्ट होता है और ऐसे गाना बहुत मुश्किल होगा। यानी एक्चुअली आइडिया ऐसा होता नहीं है, कोई सजेस्ट करता है, मेरे डायरेक्टर ने सजेस्ट किया कि ऐसा कर सकते हैं क्या, कि मराठी स्पेस में अगर ऐसा हो तो कुछ यूनिक हम लोग ट्राई कर सकते हैं फिल्म के लिए। तो जब मैंने ये गाना भी किया उसके अंदर फिल्म फुटेज भी है, तो ऐसा नहीं है कि गाना फिल्म के बाहर है। तो वी आर एक्चुअली उस गाने में सभी लोग चेकर्ड क्लोथ्स में हैं, छोटे बच्चे एक्चुअली उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जब फास्ट ऑफ फेनी छोटा था किताबों में, पर इस फिल्म में थोड़ा बड़ा हो चुका है तो बड़े लोग भी हैं। तो ये दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है और सारे फास्ट ऑफ फेनी के फ़ैन हैं, इसके लिए वही आइकॉनिक रेड चेकर्ड शर्ट पहनकर ये गाना किया है एंड होप दैट द ऑडियंस लाइक्स इट।